हमारे इंग्लिश से रिलेटेड है, वैलेट और कोट किसको कहा जाता है? अब लंबा चौड़ा लेक्चर अगर मैं इंग्लिश में देने लगूँ कि वैलेट इज अ सॉन्ग संग बाय वॉन्डरिंग पीपल्स, वॉन्डर इज ए प्लेस टू प्लेस फॉर देयर लिविंग, इस तरह से मैं कुछ भी बोलती चली जाऊँ उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बुक्स में लिखा हुआ होता है। सीधी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ मैं समझाने के लिए, और क्या एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी लाइन, कौन सी लाइन सिर्फ एग्जाम में आती है, मैं वही हमारा एक मतलब पढ़ा, हमने बहुत लिया है एक्सपीरियंस, हम पे बहुत है कि पढ़ते ही आए बुक्स में, लेकिन कौन सी लाइन ही आती है मेन मेन में आपको बता देती हूँ जो इनके बारे में पूछा जाता है और एग्जाम में आता ही है, जो इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम है। वैलिड होता है गाथा गीत। अब गाथा गीत को हम सिंपल वर्ड में अगर समझने लगे तो गाथा गीत सबने, मोस्टली सब लोगों ने रामायण देखी हुई है, तो रामायण में लास्ट में जब लव कुश गांव-गांव जाकर रामायण रामायण की कथा सुना रहे हैं वो होता है वैलेट। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँ तो यही वैलेट होता है। इसकी जो कि जो लव कुश ने जो घर गांव-गांव जाकर जो रामायण सुनाई उसे वैलेट बोला जाता है। पुराने टाइम में इस तरह से, पुराने टाइम में क्या अब भी बहुत से लोग होते हैं गाँव-गाँव जब शहर शहर जाकर गाना गाते हैं और मतलब अपने लिविंग अपने मतलब अपने जीवन यापन के लिए जो पैसा कमाने के लिए कुछ उन्हें मिल जाता है तो धन हो या कोई कपड़ा कुछ भी देता है उनकी मतलब लिविंग हुड से जो रिलेटेड उन्हें मिलता है अपनी जीविका कमाने के लिए वो वैलेट गीत अब भी गाए जाते हैं, तो उन्हें वैलेट गीत गाया जाता है जो गांव-गांव में कस्बे जाकर कहीं भी जाकर मतलब गाते हैं गाना गाकर जो पैसा कमा, इन शॉर्ट जो गाना गाकर घूम घूम फिर कर गाना गा रहे हैं पैसा कमा रहे हैं वो वैलेट गीत में आता है। इसकी जो लाइन अगर एग्जाम में पूछी जाती तो सिर्फ ये लाइन होती है वॉन्डरिंग प्यूपिल। ये वॉन्डरिंग प्यूपिल आपको पता होना चाहिए, सीन बाय वॉन्डरिंग प्यूपिल फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज ही लिखा हुआ होता है बाकी ये नहीं है कि विलेज ही फिक्स है, फॉर देयर लिविंग हुड अपनी जीविका, ये वॉन्डरिंग लाइन ही आता है ज्यादातर। कि वाले में क्या होता है ऑप्शन चार देंगे तो वॉन्डरिंग प्यूपिल या वॉन्डरिंग सिंगर्स भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है पीपल सिंगर्स बोला जाएगा बस, तो वॉन्डरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज जाकर जो गाना गाते हैं वो वैलेट होता है, गाथा गीत होता है। ये एक फोक ट्रेडिशन में होता है, फोक में गाते हैं ज़्यादातर जो जैसे हमारे देसी देवी में कलावाद वगैरह जो गाते हैं फोक ट्रेडिशन का फोक ट्रेडिशन होता है, पर ये इतना पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, यहाँ से पूछा है कि इस वॉन्डरिंग सिंगर्स के द्वारा वैलेट गीत पूछ रहे कि वैलेट गीत क्या होता है, व्हाट इज वैलेट, तो वॉन्डरिंग सिंगर्स के द्वारा प्लेस टू प्लेस यही लाइन आई के एग्जाम में यही लाइन आती है, यही पूछी जाती है, ये फोक ट्रेडिशन में होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो ये लिविंग हुड के लिए गाया जाता है। अब इसके जो कॉलेज में लिखा था एंसेंट मैरिनर ये और द लव एट डेमरसन्स मर्सी, लव एट डेमरस जो है किड्स की है कॉलेज की, ये ज़्यादा पूछी जाती है कि मतलब किस फॉर्म में लिखी हुई, लव एट डेमरसन्स मर्सी ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, इसका मतलब पूछा, इसका भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी पूछा जाता है कई बार, इसका अर्थ है जो इंग्लिश की लैंग्वेज में, तो ये उसकी मतलब वॉन्डरिंग जो किड्स ने गाया था एक लेडी के लिए गाया था इस तरह से। नेक्स्ट आता है फिर इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, बस यही है कि ये वैसे वैलिड इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये ओल्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों में ही से बनते हैं, एक एलेजी भी पूछा जाता है वो नेक्स्ट उसमें हम आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट आता है ओड, ओड होता है गीत काव्य, गीत काव्य भी एक स्पेशल ओकेजन पर गाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ मतलब लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे किसी स्पेशल ओकेजन पर, जैसे मतलब पहले दरबार लगते थे, दरबार में राजा के लिए वे बंदी जन आते थे वो गाना गाते थे राजा की प्रेज में, या किसी भी टॉपिक पे कोई सीरियस हो इमोशनल हो कोई मतलब इमेजिनेशन होती है उस पर कोई मतलब अपनी इमेजिनेशन पे अपनी कुछ लिखता है कुछ गाता है तो ये गीत काव्य कहा जाता है, जो सीरियस या इमोशनल इस पे से इस चीज़ को इतना वो नहीं होता, ओड सिर्फ इतना होता है गीत काव्य होता है और किसी इमोशनल या इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग सीरियस नोट पर लिखा जाता है, तो ये सिर्फ सिंपल इतना ही होता है। बाकी इसमें से क्वेश्चन होता है कि इसके मूवमेंट क्या है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके मूवमेंट होते हैं थ्री, ये आया आता भी है एग्जाम में बार बार आता है, तो पहला होता है स्ट्रोफे, दूसरा होता है एंटी स्ट्रोफे, तीसरा होता है इपॉट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है,
क्वेश्चन ऐसे बनता है, दे हमको हमें ये पता है, पर वो इनको आगे पीछे करके लिख देगा कि स्ट्रोफे के बाद एपिपॉड लिख देगा और पेट के बाद एंटीस्ट्रोफे। ये सीधा सीधा पूछा जाता है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से घुमा फिरा कर लिख देते कि थ्री मोमेंट क्या है, तो स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे रिपोर्ट, इसी को मतलब क्रम बिगाड़ देगा वो, पहले एंटीस्ट्रोफे कर देगा बाद में स्ट्रोफे, कुछ भी वो कर देगा पर सही क्रम स्ट्रोफे है। पहले स्ट्रोफे में एक साइड हो जाता है सिंगल, फिर आता है एंटीस्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे पीछे चले जाते हैं सिंगल जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने पीछे चले जाते हैं, और रिपोर्ट में स्टिल खड़े रहते हैं एक जगह पर, फिर वो एक जगह पर खड़े रहते हैं। तो पहले स्ट्रोफे आएगा फिर एंटीस्ट्रोफे फिर रिपोर्ट आएगा। फिर नेक्स्ट आता है इसके जो राइटर्स हैं, तो सेलिका और टू द वेस्ट विंड बहुत ही फेमस है। सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है कि वेस्ट विंड जो है शैली की वो क्या है, तो वो एक ऑड है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पॉइजनिंग, वेस्ट विंड के ऊपर ही तो लिखा है, जो शैली है उन्होंने वेस्ट विंड के ऊपर लिखा हुआ है, उसके बारे में इमेजिनेटिव फॉर्म में है ये, और ये ओड है गीत का भी, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन कल्पना के आधार पर गीत सा गाया है वेस्ट विंड के लिए। ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पॉइजनिंग भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किड्स का आता है इम्पोर्टेंट ओड उन्होंने ग्रेसियन ऑन, तो ग्रेसियन ऑन तो कुछ एक ऐसा टॉपिक है कि मैं तो मानती नहीं हूँ कि अगर 10 एग्जाम है 10 में से 9 एग्जाम में ग्रेसियन ऑन के बारे में पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा पूछ या तो पूछने की क्या है, तो ये ऑड है, किसका लिखा हुआ किड्स का है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ग्रेसियन ऑन पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका नो ऑड टू ए नाइट एंड ये भी ऐसा ही टॉपिक है, ये एक ऑड है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक। मिल्टन का ऑड ऑन द नेटिविटी क्रिस्ट ये इतना नहीं पूछा जाता, कहीं किसी किसी एग्जाम में मिलता है। कॉलेज का डिजेक्शन ऑन एवर्ड एन ऑड ये भी एक ऑड है, और गीत का अभी हमने डिजेक्शन अपनी निराशा के ऊपर उसने लिखा है, जो कॉलेज है उन्होंने अपनी निराशा के ऊपर एक लंबा चौड़ा गीत दिया कि निराशा क्या कर सकते हैं, सब कुछ उनमें डिफिक्ट किया हुआ है, वो ये हमारे इंपॉर्टेंट वैलिड हमें पता होना चाहिए, गीत ओल्ड हमें पता होना चाहिए, ओल्ड में से और बैलेट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक लेजिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी इसको इससे ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं कि हम पढ़ने लगे हम सीखने लगे, इससे ज़्यादा इसमें बाकी कुछ है नहीं।